हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 9। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, सब्सक्राइब कर किए हैं जिन्होंने। ठीक है, और बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फीडबैक जरूर दें। ठीक है, हुआ है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ। फिगर तो दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि कोई एक गर्ल है जो कि 1.2 मीटर टॉल है, और जब गर्ल खड़ी है तो यहाँ उसका टॉप है, यहाँ बॉटम है। ठीक है, और इसी ये जो इसी ग्राउंड के लेवल से कुछ हाइट पर, वो हाइट भी दिया हुआ आपका 88.2 मीटर हाइट पर कोई बैलून यहाँ पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो इस बैलून को देखने के लिए जब इस गर्ल के आई पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो हमेशा आई पर बनेगा और हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल आपका दिया हुआ है किसी टाइम पर कितना, 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कुछ समय बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन घट कर क्या हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक ये है कि जैसे जैसे वर्टिकल के साथ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंगल घटता जाएगा, और जैसे जैसे उसके नज़दीक आते जाएंगे वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है 60 से घटकर 30, डैट मीन्स कि बैलून अब यहाँ से इधर नहीं आ रहा, आप कहाँ जा रहा है, उड़ते उड़ते इधर चला गया। ठीक है, बैलून का पोजिशन आपका ये हो गया, और इस बैलून के टॉप को देखने के लिए इस गर्ल के आई पर एंगल बन रहा आपका 30 डिग्री, ये बन रहा आपका 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बोल रहा है कि कुछ समय बाद बोला ना कि बैलून यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जो है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बैलून का फर्स्ट पोजिशन जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री, और सेकेंड पोजिशन जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, घटकर 30 डिग्री, तो ये दोनों केस में दोनों बैलून के पोजिशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं क्या चीज, एक्स मीटर। ध्यान देना और एक चीज, यहाँ से यहाँ तक 1.2, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2। ठीक है, फिर ये टोटल है 88.2, 88.2 में से 1.2 यदि आप माइनस कर दोगे 88.2 से 1.2, देन वी है 87। डैट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है वो है आपका 87। जब ये 87 तो ये भी 87। क्लियर, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम लेके चलते हैं राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा नाम दे देते हैं इसका। मान लिए यहाँ ए है, ये बी है, सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, तो यदि लेके चलेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी, तो क्या होगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी, सी ए डी है ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, तो tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू पी, डैट मीन्स कि ए डी एंड बी हो जाएगा आपका ए डी। tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3। AD है 87 और CD हमें नहीं पता है। ठीक है,
ठीक है। यदि इसे सॉल्व करेंगे देन वी हैव सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 87 बाई रूट थ्री। अब डिनोमिनेटर में रूट थ्री है तो इसे आप निकाल सकते हैं रैशनलाइज करके, ये हो जाएगा आपका 87 रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, थ्री से कैंसिल करते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री नाइन जा 27, है ना। हैंस ये जो सी डी है वो हो जाएगा 29 रूट थ्री, ठीक है। इस सी डी के वैल्यू आ गया 29 रूट थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए, है ना, टैन थीटा, टैन 30, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, तो पी है आपका बी ई एंड बी है सी ई, सी ई। टैन 30 का वैल्यू 1 बाई रूट थ्री, बी ई, बी ई है आपका 87 एंड सी ई, सी ई के स्थान पे हो जाएगा सी डी प्लस, सी डी प्लस डी ई, है ना। तो ये हो गया आपका 1 बाई रूट थ्री 87, सी डी का वैल्यू हमने निकाला है 29 रूट थ्री एंड डी ई को हमने क्या माना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 29 रूट थ्री प्लस एक्स और ये हो जाएगा 87 रूट थ्री, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 87 रूट थ्री माइनस 29 रूट थ्री। 87 को रूट थ्री जब हम कॉमन लेंगे तो 87 माइनस 29 और यहाँ हो जाएगा रूट थ्री। 17 में से 9 जाएगा 6 और 7 में से 2 5, 56 रूट थ्री मीटर, है ना। तो हैंस ये एक्स क्या है, यही एक्स है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून्स, बैलून, ठीक है। तो हैंस कवर्ड बाय द बैलून, बाय द बैलून।